So, hey guys, what's up and welcome back to my channel. In this video, I have यानी मैंने ये लैपटॉप 2 महीने यूज करा हुआ है और मैं आपको 2 महीने का पूरा एक्सपीरियंस, क्या मेरा ये इस लैपटॉप के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है या फिर जो भी इसके प्रोज है कॉन्स है, सब ये वीडियो में हम कवर करेंगे. सो फर्स्ट इज द एडिटिंग एंड गेमिंग परफॉर्मेंस, देन द सेकेंड इज इट्स डिज़ाइन. गेमिंग लैपटॉप में डिज़ाइन काफ़ी मायने करती है, यानी गेमिंग लैपटॉप है तो इसकी डिज़ाइन यानी एग्रेसिव वगैरह. सो मैं सब कुछ ये वाली वीडियो में आपको कवर करूँगा. एंड द थर्ड इज द इट्स प्राइस एंड फोर्थ इज इट्स सम कॉन्स और डिसएडवांटेजेस अबाउट दिस लैपटॉप. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल थ्रू इट. सो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो द फर्स्ट इज द गेमिंग एंड एडिटिंग परफॉर्मेंस ओवर दिस लैपटॉप. यानी ये लैपटॉप इतना अच्छा परफॉर्म करता है एडिटिंग के अंदर कि मेरी जो अराउंड 1080p में मैं काफ़ी नॉर्मल सारी वीडियोज़ डालता हूँ, सो वो वीडियो आराम से 3 या फिर 4 मिनट की अगर वीडियो मैं डाल रहा हूँ तो वो 2 से 3 मिनट में वो रेंडर कर देगा. और अगर मैं उससे ज़्यादा यानी अगर मैं 10 to 15 मिनट्स की अगर मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो वो आराम से 6 to 7 मिनट्स ये रेंडर करने में लेता है. मैं बेसिकली फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए बिकॉज इट्स मोर कम्फर्टेबल टू मी टू एडिट माई ऑल वीडियोज़ ऑन दैट. एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो इट्स अ गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसके थोड़े हीटिंग इश्यूज़ हैं जो आपको एक्स्ट्रा कूलिंग वगैरह चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप नीचे फैंस वगैरह रखते हो तो भी उसका थोड़ा बहुत अच्छा रह सकता है. लेकिन वैसे मैं इतनी हार्ड कोर गेमिंग करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार 15-20 या फिर 1 घंटा मैं कभी कभी गेम्स खेल लेता हूँ. सो गेमिंग परफॉर्मेंस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. आराम से GTA 5 जो सबकी प्यारी गेम है और सबके यानी सभी लैपटॉप्स वगैरह में होती है, सो मैं GTA 5 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आराम से आपको 90 FPS तक दे देता है और परफॉर्म्स लाइक स्मूथ. और मैं स्पेसिफिकेशंस तो आपको बताना रह गया है, मैंने पहले ही बोला मैं इस वीडियो में कोई भी स्पेसिफिकेशंस में इस लैपटॉप के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जानने की बहुत ही इच्छा है तो ये पूरे इसके स्पेसिफिकेशंस है. जो मेरा वेरिएंट है उसकी यानी इसके 2-4 अलग अलग वेरियंट आते हैं वो मैं इसके लास्ट टॉपिक में बात करूँगा जो प्राइस वाला था. एंड अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस में बात करूँ तो इट परफॉर्म्स लाइक अ, और इसकी स्क्रीन इसकी गेमिंग में काफ़ी हेल्प करती है. जो IPS पैनल है फुल HD है और सो वो काफ़ी बढ़िया है. सो अगर आपने बीच बीच में गेमिंग वगैरह शॉर्ट्स देखे तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है. डिज़ाइन काफ़ी मैटर करता है सभी गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, बिकॉज डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है कि आपको दिन रात ये लैपटॉप को यूज़ करना है तो आपके सामने इसकी सिर्फ ये चेसी ही होगी, तो वो काफ़ी मैटर करता है कि डिज़ाइन कैसा है. सो फर्स्ट आई लाइक अबाउट दिस लैपटॉप, इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक है, यानी ये आपको एक गेमिंग लैपटॉप जैसी थोड़ी बहुत फील तो देगा अंदर से, लेकिन अगर आप ऐसे में अगर लैपटॉप ये यूज़ कर रहा हूँ कुछ ऐसे या फिर कुछ मैं ऐसे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई ऐसा अग्रेसिव लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ गेम्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये इस प्रोफेशनल लुक देता है. अगर आप प्रोफेशनल में हो एडिटिंग वगैरह में और आपको अग्रेसिव वर्क यानी अग्रेसिव डिज़ाइन नहीं चाहिए तो ये लैपटॉप इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू. एंड बैकलिट कीबोर्ड वगैरह की बात करें तो ब्लू बैकलिट कीबोर्ड है जो काफ़ी बढ़िया रहता है, और मैंने अभी काफ़ी ये बैकलिट कीबोर्ड यूज़ करा रात वगैरह में. सो इसके 2 लेवल्स है, फर्स्ट दिस एंड सेकेंड दिस. तो गेमिंग परफॉर्मेंस में ये आपको बैकलिट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, और डिज़ाइन वगैरह में इसका कीबोर्ड वेरी गुड. लेनो स्पेशल उसी के लिए है कि इसके कीबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम प्रोफेशनली होते हैं, यानी कि आपको कीबोर्ड वगैरह में यानी जो स्विचेस रिस्पॉन्स वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है, जो विच आई लाइक वेरी मच. एंड अगर मैं इसके माउस पैड की बात करूँ डिज़ाइन में वो भी आ जाता है, सो माउस पैड इज़ वेरी गुड. सारे गेस्टर्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म करता है.
वो थ्री फिंगर वाले, टू फिंगर वाले जो ऐसे ऐसे गेस्टर्स होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं, शिफ्ट वाले गेस्टर्स, एवरीथिंग लुक्स गुड। एंड अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ, ये बटन्स अगर आपको स्पेशली गेमिंग करनी है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये वाले दो बटन से आप गेमिंग करो, क्योंकि ये ऐसा परफेक्टली रिस्पॉन्स रेट नहीं है इसका। सो स्पेशली Lenovo ने इसी के साथ इसका गेमिंग माउस भी देता है ये, ताकि आप अच्छे से गेमिंग वगैरह कर सको। सो दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी इसके साथ आपको RGB का 6 बटन्स की वाला गेमिंग माउस भी मिलता है 3200 DPI वाला। और एंड वी मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अवर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में ये लैपटॉप का कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि इसमें स्पेशली क्या है कि इसका जो स्क्रीन फ्लेक्स है वो नहीं होता, क्योंकि अगर आप बीच में से आराम से करोगे तो स्क्रीन फ्लेक्स नहीं होगा। और सेकंड, अगर पोर्टेबिलिटी में आप बैग वगैरह में डाल के ले जाते हो सभी जगह, तो पोर्टेबिलिटी में भी ये जो स्क्रीन फ्लेक्स होता है, काफ़ी सारे लैपटॉप्स का वगैरह ओमन हो गया या फिर जो भी HP वगैरह के लैपटॉप्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा अगर आप प्रेस भी करोगे लैपटॉप को तो स्क्रीन फ्लेक्स नहीं दिखेगा। सो दैट्स वेरी गुड। एंड अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो उसमें सबसे मेन पॉइंट आता है इसका वेट। इसका वेट है अराउंड 2.2 kg, यानी 2 kg का लैपटॉप है। उसके साथ चार्जर अगर आप मिला हो तो 2-2.5 kg का तो हो ही जाता है। सो वो हैवी लैपटॉप है, बट आपको गेमिंग करने हो तो ग्राफिक कार्ड का वेट तो आएगा, एडिटिंग वगैरह करनी है तो ग्राफिक कार्ड का वेट होता है, और इसका जो बाकी सब जो आपको पता ही होगा यार, गेमिंग लैपटॉप थोड़े हैवी होते हैं। सो पोर्टेबिलिटी में अच्छा है, स्क्रीन फ्लेक्स नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वेट तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। नेक्स्ट पॉइंट इज दस यार सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस लैपटॉप। इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, जो जिसने भी ये लैपटॉप बाई किया है उसकी थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि इसका स्क्रीन फ्लैच ना हो इसी के लिए ये Lenovo वालों ने ये लैपटॉप कुछ ऐसा बनाया है, और पीछे से भी ऐसा, यानी इधर उन्होंने कोई भी जो विंड, यानी कि जो ग्रिल्स होती है वो विंड की नहीं दी गई है, इसीलिए Lenovo ने क्या किया कि जो एयर वेंटिलेशन थे वो इधर दे दिए। इधर देने की वजह से आपको अगर नहीं दिख पा रहा हो तो मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊँ, अगर आपको समझ में आया हो तो दैट्स गुड, क्योंकि ऐसे स्क्रीन फ्लेक्स दे दिए हैं। सो दिस लुक्स, यानी ये लगता बहुत डिज़ाइन में ये काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन ये जो एयर वेंटिलेशन यहाँ पे दिए, यानी इससे होता क्या है कि ये जितनी भी हॉट एयर होती है वो यहाँ से ये रिलीज़ करता है, ऐसा नहीं है सभी एयर यहाँ से रिलीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक एयर वेंटिलेशन है एज यू कैन सी। और तो इससे क्या होता है कि ये जो ऊपर की थोड़ी चैसी है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका पता है गर्म होते हैं तो दिमाग भी गर्म हो जाता है। एंड बढ़ते हमारे नेक्स्ट कॉन्स की तरफ। सो नेक्स्ट कॉन इज कि ये लैपटॉप में एयर वेंटिलेशन तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एयर वेंटिलेशन के साथ साथ ये इतने फास्ट फैंस मूव होते हैं, जब आप गेमिंग वगैरह करते हो हार्ड कोर वाली, तो जो फैन की जो स्पीड होती है वो मैक्स चले जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये इतना वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, और ये जो जितना भी अगर आपका डेस्क पे थोड़ा बहुत भी अगर पेपर वगैरह का कुछ भी छोटा मोटा कचरा है तो वो भी यहाँ पे आके फंस जाता है, लेकिन वो इश्यू नहीं है। मतलब कि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस 2 महीने का रहा तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आपको अगर ग्रिल दिख रही हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आके फंस जाता है, तो आपको एक बार ब्रश या फिर क्लोथ से साफ करना पड़ता है। सो वो कुछ इश्यू तो नहीं है, लेकिन सभी लैपटॉप में होता है, बस एक्सपीरियंस है तो मैंने बता दिया, फिर 100% मैं आपको पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो बस कुछ इतने ही इसके इश्यू थे, और बाकी एवरीथिंग लुक्स गुड। और लैपटॉप में गेमिंग परफॉर्मेंस, एडिटिंग वगैरह में कुछ भी, मुझे कुछ भी ये सब परफॉर्मेंस वाइज में तो ये लैपटॉप टॉप नॉच है, यानी कि आपको अगर बजट में चाहिए लैपटॉप, गेमिंग कर सको पूरे दिन, गेमिंग कर सको और एडिटिंग वगैरह कर सको, आपको कुछ नया सीखना हो ग्राफिक वगैरह, तो ये लैपटॉप इसमें परफॉर्म्स वेल इन दैट ऑल वर्क्स। एंड अगर हम एक दो में पोर्ट्स की भी बात कर लूँ तो
ये लैपटॉप में जितने भी पोर्ट्स दिए गए हैं वो यानी जो लेटेस्ट लैपटॉप है 2020 का, अगर आपको लेटेस्ट पोर्ट्स चाहिए यानी कि इसमें सारे लेटेस्ट पोर्ट्स है, जैसे टाइप सी हो गया 3.2 जनरेशन 2 वाला टाइप सी है, जिससे आप आराम से जो चार्जिंग तो नहीं कर सकते, चार्जिंग गेमिंग लैपटॉप का नहीं हो सकता, और काफ़ी अच्छा टाइप सी जिससे आप एक्सटर्नल एसएसडी या फिर जो पेन ड्राइव वगैरह आती है टाइप सी वाली वो आप अटैच कर सकते हो। उसमें स्पीड 100+ यानी 200+ एमबीपीएस की आती है। अगर आप इससे टाइप सी वाले से अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर जो यूएसबी है वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि सिर्फ दो ही यूएसबी है, लेकिन दोनों दो 3.1 यूएसबी है, जिससे जो पेन ड्राइव की जो लेने देने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी गेमिंग लैपटॉप्स में जैसे एसर नाइट्रो 5 वगैरह है, इसमें क्या होता है कि आपको यूएसबी 2.0 दे देते हैं, सिर्फ एक ही यूएसबी 3.0 है, तो उससे क्या होता है कि आपको अगर दो पेन ड्राइव या फिर दो हार्ड डिस्क के बीच में अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी हेडेक हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने दोनों दो साइड में हार्ड डिस्क अटैच की है, दोनों दो साइड में पेन ड्राइव अटैच की है, एक से एक डेटा ट्रांसफ़र किया है, उसमें भी काफ़ी अच्छी स्पीड दे देता है, स्पीड मेंटेन करता है दोनों यूएसबी पोर्ट्स। देन आपको एक RJ45 वाला इधर पोर्ट मिल जाता है, इस साइड मैक्स टू मैक्स सारे पोर्ट्स है, इस साइड सिर्फ इसकी एयर वेंटिलेशन है और एक यूएसबी का पोर्ट है, और 3.5mm जैक तो है ही, जिससे काफ़ी बढ़िया रहता है हेडफोन्स वगैरह के लिए। एंड दो इनबिल्ट माइक्स भी है, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नल माइक्स वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आप अगर दे रहे हैं, नॉर्मली सभी लोग अभी ऐसा ही कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी इन दो इनपुट माइक्स है, एक्सटर्नल माइक्स है, फिर एक्सटर्नल माइक वाला हेडफोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से भी चल जाएगा। स्पीकर्स भी 1.5 वाट के दोनों दो स्पीकर है, उससे भी काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी, डॉल्बी ट्यून स्पीकर है, यानी डॉल्बी एटमॉस का आपको अगर फुल्ली परफॉर्मेंस मिल जाता है, जिससे साउंड क्वालिटी या फिर जो म्यूजिक वगैरह अगर आप देख रहे हो तो वो टॉप नॉच हो जाती है। और देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे आप सब लोग वेट कर रहे हो। प्राइस यानी प्राइस सब में मैटर करती है, तो अराउंड इसके कुछ 3 वेरिएंट है जो डिफरेंट प्राइस में आते हैं। एंड द फर्स्ट वेरिएंट इज 71,000 वाला जो वेरिएंट है वो आता है, 70,000 और 71,000 वाला, जिसमें आपको मिल जाता है 1650 GTX वाला और नॉर्मल सब स्पेसिफिकेशन वो कोर i5 10th जनरेशन 10 300H और 8 GB ऑफ रैम एंड 256S NVMe 3+ 1 TB, वही सब नॉर्मली है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर का ही डिफरेंट है सब में। सीन दैट सेकेंड वेरियंट इज अराउंड 76,000 रुपीज़ और 75,000, कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है, आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह में चेक कर सकते हैं। सो उसमें आपको मिल जाता है 1650 Ti और 10 300H। एंड द थर्ड वेरियंट इज जो टॉप नॉच वेरियंट है वो अराउंड 89,000 या फिर 6,000 वाला है, जिसमें आपको मिल जाता है कोर i7 10th जनरेशन, कुछ कोर i7 10th जनरेशन 10 750H और इसके साथ आपको GTX 1650 का सपोर्ट मिल जाता है। और जो टॉप वाला वेरिएंट है, जो टॉप वाले वेरिएंट में उसमें 120Hz की स्क्रीन मिलती है, बाकी जो नीचे के दो जो वेरिएंट है उसमें आपको 120Hz की स्क्रीन नहीं मिलती है और 60Hz की मिलती है, बाकी मेरा 60Hz वाला है और 1650 Ti वाला है, और जो मैंने जो लिया था वो अराउंड 76 या फिर 75,000 तक है, और कुछ अगर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हो तो आपको 73-74 में पड़ सकता है 1650 Ti वाला जो मैंने लिया है, और बाकी एवरीथिंग लुक्स गुड। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 2 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पहले ही सब्सक्राइब मार देना है इस वाली चैनल को, हमें हमारा रोड टू 1K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करना है। सो हम मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय। और अगर आप इस लैपटॉप की जो अनबॉक्सिंग वगैरह होती है वो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, बाय।